इतिहास की धारा को मोड़ने के लिए, नया इतिहास बनाने के लिए गांधी मैदान में लाखों की तादाद में पहुंची बिहार की संघर्षशील जनता, आप सबको नमस्कार, आदाब, जय भीम, लाल सलाम। 50 साल पहले इस गांधी मैदान से नारा बुलंद हुआ था, भावी इतिहास हमारा है। आज फिर एक बार ये कहने के लिए हम यहां पहुंचे हैं, लोकतंत्र, संविधान, देश बचाने का नारा है, भावी इतिहास हमारा है, ये ऐलान करने के लिए हम यहां पहुंचे हैं। हम यह कहने के लिए आए हैं पटना और दिल्ली की सरकारों से, सिंहासन खाली करो, जनता आने लगी है, बिहार की जनता लड़ेगी, तानाशाही हारेगी। साथियों, देश में पिछले 10 साल से जो पार्टी पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है, उसके नाम में तो जनता है, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जनता से कोई लेना देना उसका नहीं है। उसका अगर लेना देना है तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता, सत्ता के लालच, सत्ता के अहंकार उसके रग रग में है, उस पार्टी के। उस पार्टी का अगर कोई काम है तो वो काम है बुलडोजर से हिंदुस्तान के लोकतंत्र को, विपक्ष को, जनता को, उनके रोजी रोटी, जल जंगल जमीन के हक को, पूरे देश को, देश की अर्थव्यवस्था को रोक देना। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपना चुनाव चिन्ह बदल करके उस कमल की जगह पर बुलडोजर रख लेना चाहिए, और हम ऐलान करने के लिए आए हैं ये बुलडोजर राज नहीं चलेगा। बुलडोजर से आजादी के लिए, आवाम की आवाज को बुलंद करने के लिए हम यहां आए हैं। किसान दिल्ली की सीमा पर एमएसपी की मांग को लेकर आना चाहते हैं, और ये सरकार जो अदानी अंबानी के आगे खुद कालीन बन करके बिक जाती है। अभी अंबानी के बेटे की शादी का नजारा हम देख रहे हैं, लेकिन जब किसान आना चाहते हैं दिल्ली में तो सड़क पर बैरिकेड लगते हैं, कील ठोक दिए जाते हैं, कटीले तार बिछा दिए जाते हैं, गोली चलती है, किसान शहीद हो जाते हैं। ये सरकार ये कहती है कि हम दुनिया में विश्व गुरु बनेंगे, गाजा के बच्चों को बचाने के लिए इनके मुंह से एक शब्द निकलता है, लेकिन हिंदुस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों को, देश के अंदर जिनको नौकरी मिलनी चाहिए, उनकी जान को खतरे में डाल करके उनको इजराइल भेजने की साजिश ये सरकार रच रही है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाद हो सकता है बिहार में भी आप नीतीश जी ये काम करना शुरू कर दे। अभी 8 मार्च का दिन आएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिला सशक्तिकरण की बहुत बड़ी बड़ी बात होगी, लेकिन हिंदुस्तान में हमने कभी नहीं देखा था कि किसी पार्टी का ये काम बन जाए कि तमाम बलात्कारियों को संरक्षण देना, उनको प्रोत्साहन देना, उनको सम्मानित करना, चाहे बिल्किस बानो के बलात्कारी हो या चाहे मणिपुर में महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले, उनको संरक्षण देने का काम ये सरकार कर रही है। और इसीलिए साथियों, हम लोग यहां आए हैं ये नारा देने के लिए, ये 24 का चुनाव ये आर पार की लड़ाई है, और इस चुनाव में बिहार ने एक बार ठान लिया, जैसे हमारे साथियों ने कहा कि 40 के 40 सीटों पर महागठबंधन की जीत का पूरा झंडा गाड़ देंगे, तो निश्चित तौर पर दिल्ली से इस सरकार का सफाया होगा। साथियों, बिहार में एक एजेंडा बन रहा था, पूरे बिहार में आपने देखा 2020 के विधानसभा चुनाव में जब हम लोगों ने कहा कि बिहार के नौजवानों को पक्की नौकरी मिलेगी, तो उस समय नीतीश जी मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन इस बार जब नीतीश जी इस तरफ आए थे कुछ समय के लिए, जब हम लोगों को मौका मिला
तो आपने देखा कि बिहार के अंदर न सिर्फ जातीय जनगणना हुई बल्कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, पूरे आरक्षण का विस्तार हुआ, पक्की नौकरी की मुहिम शुरू हुई और पूरे बिहार में बात यहां पहुंच गई कि नीतीश जी करीब 20 साल से विकास 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 कह रहे हैं, लेकिन उस विकास के चिराग चले वहां गरीबी का घना अंधेरा है। पूरे बिहार के 2/3 लोग 10,000 से कम आमदनी पर किसी तरह जीते हैं। तो नीतीश जी ने उस समय कहा था कि 2 लाख करीब 1 लाख परिवार को हम 2 लाख रुपए देंगे। नीतीश जी उस तरफ चले गए, लेकिन बिहार के गरीबों से हम कहेंगे गिन गिन करके वो 2 लाख रुपए उनसे लेना है। और ये जो साजिश चल रही है कि आय का प्रमाण पत्र अब नहीं दिया जाएगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये जो धोखा बिहार के गरीबों के साथ साजिश चल रही है, इस साजिश को हमें रोकना है। तो साथियों, बिहार जो बदलने लगा था, बिहार और देश को बदलने के लिए आज जो हम इस पूरे मैदान में देख रहे हैं, लाल और हरा झंडा, लाल और हरे झंडे की ये एकता, ये दावेदारी, ये लाल और हरे झंडे की एकता और दावेदारी से ही बिहार बदलेगा और हिंदुस्तान में लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित रहेगा। आज हमारे सामने ये रास्ता है और इसी रास्ते को रोकने के लिए, इसी रास्ते को रोकने के लिए फिर नीतीश जी को उस तरफ ले जाया गया। हमने तो देखा था सीबीआई का इस्तेमाल, हमने देखा था ईडी का इस्तेमाल, हमने देखा था इनकम टैक्स का इस्तेमाल, इस बार हमने देखा कि भारत रत्न का इस्तेमाल भी इस देश में राजनीति करने के लिए, सत्ता को साधने के लिए हो सकता है। हमने देखा कभी चरण सिंह को दे करके वो किसानों पर गोली बरसाते हैं, कभी स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे करके स्वामीनाथन आयोग की उसको लागू करने की मांग करने वाले किसानों पर गोली चलती है, कभी कर्पूरी जी को, कर्पूरी जी जो राजनीतिक बंदियों को रिहा कर रहे थे अपने समय में बिहार के अंदर, पूरे बिहार में आरक्षण की बात कर रहे थे, शिक्षा के विस्तार की बात कर रहे थे, आज कर्पूरी जी को सम्मान देने के नाम पर आज के बिहार में हम देख रहे हैं कहीं विधायकों को तोड़ा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, और जिनको तोड़ना संभव नहीं है, डराना संभव नहीं है, खरीदना संभव नहीं है, माले के जुझारू नौजवान विधायक मनोज बंजिल की तरह विधायक, उनको फर्जी मुकदमों में फंसा करके उनकी सदस्यता समाप्त करने की साजिश चल रही है। इस साजिश के खिलाफ पूरी एकता चाहिए, पूरा संघर्ष चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आज ये जो गांधी मैदान का ये नजारा है, ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। ये इंडिया गठबंधन जिसके बारे में ये बोलने लगे थे कि बिहार से बात चली थी और नीतीश जी मेजबानी कर रहे थे पहली बैठक की, अब तो नीतीश जी चले आए तब इंडिया का क्या बचा। हम ये बताने के लिए आए हैं कि किसी एक नेता के इधर उधर होने से, किसी एक सरकार को दखल कर लेने से, कुछ विधायकों को तोड़ लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता है जमीन पर और बिहार है लड़ने वाला प्रदेश, तो बिहार की जनता लड़ेगी, तानाशाही हारेगी। इसी के साथ आप तमाम साथियों को, हमने देखा कि रात में काफी बारिश हुई, हमारे लोगों को बहुत दिक्कत हुई, बावजूद इसके इतनी मेहनत करके तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए लाल हरा झंडा लेकर के बिहार के कोने कोने से बिहार के गरीब यहाँ पहुंचे हैं। वो लाल झंडा जो मास्टर जगदीश का, लाल नरेश राम का, बूटन मुसहर का झंडा है, वो लाल झंडा और बिहार के अंदर कर्पूरी जी का, जयप्रकाश जी का ये जो हरा झंडा, ये दोनों की एकता आज पूरे बिहार को बदल देगी, दोनों की एकता हिंदुस्तान को बदल देगी। इसी के साथ आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।